हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में हम आजकल एल्गी कारा के बारे में पढ़ रहे हैं। कारा के हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके डेवलपमेंट के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। और जो न्यूक्यूल है उसमें एग जो बनता है उसका फर्टिलाइजेशन किस तरीके से एंथ्रेजॉइड के द्वारा होता है, और इस फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो स्ट्रक्चर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ नोन एज ऊस्पोर। तो ऊस्पोर जो है वो अपने चारों तरफ एक बहुत थिक वॉल जो है वो इकट्ठी कर डिपॉजिट कर लेता है, उसके चारों तरफ एक थिक वॉल बन जाती है। और जो ट्यूब सेल्स होती हैं जो न्यूक्यूल में एग के चारों तरफ जो ट्यूब सेल्स लिपटी हुई होती हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, ये भी थिक हो जाती हैं। तो इस तरीके से ओव्यूल जो ऊस्पोर है वो एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और धीरे धीरे बाद में इसमें ये जो इसकी वॉल है वो शीथ की जो वॉल है वो डिके होना शुरू कर देती है। ये ऊस्पोर जो एक मैच्योर ऊस्पोर है जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है टू एन स्ट्रक्चर है, ये देखने में येलो या रेड या ब्राउन कलर का दिखाई देता है। अलग अलग स्पीशीज़ में इसके अलग अलग कलर्स होते हैं, और जो ऊस्पोर है उसमें चारों तरफ जो उसकी शीथ है उसके साथ ही वो डिटैच हो जाता है प्लांट बॉडी से, और तालाब में या वो जहाँ भी पाया जाता है अपनी हैबिटेट में उसमें वो नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाद में ये एक थोड़ा छोटा सा रेस्टिंग पीरियड लेता है, कुछ समय पश्चात इसमें जर्मिनेशन शुरू होता है। तो रेस्टिंग पीरियड जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, अगर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं तो ये रेस्टिंग पीरियड थोड़ा लंबा हो जाता है, और उसके बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इसमें जर्मिनेशन शुरू होता है। जर्मिनेशन जो है वो कारा में ऊस्पोर का जर्मिनेशन जो है वो डार्क में नहीं होता, मतलब अंधेरे में नहीं होता, इनको लाइट की आवश्यकता होती है जर्मिनेशन के लिए, वाइट लाइट या रेड लाइट की आवश्यकता होती है। और जब कंडीशन सूटेबल होती हैं तो ऊस्पोर का जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है 2N न्यूक्लियस है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, मतलब ऊस्पोर में ही एपिकल पोर्शन की तरफ चला जाता है, और फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोटिकली ये डिवाइड करता है, जिसके कारण चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अगुणित जो पुत्री केंद्रक हैं उनका निर्माण हो जाता है चार केंद्रकों का, जो कि हैप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं, एन स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद में इसमें एंटीरियर एंड जो है उसकी तरफ एक वॉल का निर्माण होता है, बी डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ एक ट्रांसवर्स वॉल बन जाती है, जिससे इसमें दो कोशिकाएं हमें दिखाई देती हैं। जो ऊपर की तरफ जो कोशिका होती है वो थोड़ी छोटी होती है, और जो नीचे की कोशिका है वो थोड़ी बड़ी होती है। ऊपर वाली कोशिका को सेल को हम लेंटिकुलर सेल कहते हैं, और जो नीचे वाली कोशिका है उसको लोअर सेल कहते हैं। लोअर सेल लंबी है, बड़ी है, और उसमें तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, और ऊपर वाली सेल में एक लेंटिकुलर सेल में एक जो है वो फंक्शनल न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जो चार न्यूक्लियाई बने थे मियोटिक डिवीजन से उसमें से एक न्यूक्लियस लेंटिकुलर सेल में ऊपर वाली छोटी सेल में रह जाता है, और नीचे वाली जो बड़ी कोशिका है लोअर सेल है उसमें तीन न्यूक्लियाई आ जाते हैं। ये जो सेल है वो उसमें रिज़र्व फूड मटेरियल होता है, और ये रिज़र्व फूड मटेरियल जो है वो
जो अब इसमें फंक्शनल न्यूक्लियस के डिवीजन से जो नया गेमेटोफाइट बनेगा, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट मतलब नया कारा प्लांट बनेगा, उसके न्यूट्रिशन में ये उपयोग में आ जाता है। जो ऊसपोर की जो आउटर वॉल है जिसमें ऑर्नामेंटेशन पाए जाते हैं, जिसमें कुछ पैटर्न्स पाए जाते हैं, वो थोड़ी सी बाहर की तरफ मतलब एक्सपोज हो जाती है, उसमें वो थोड़ी सी उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और इन क्रैक्स के बाद में ये यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो इसकी जैकेट वॉल है ऊसपोर की, वो थोड़ी टूट जाती है और जो लेंटिकुलर सेल है वो बाहर की तरफ दिखाई देने लगती है। अब इसमें इसके बाद में वर्टिकल डिवीजन होता है इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ वाली लेंटिकुलर जो छोटी सेल है वो दो कोशिकाओं में विभाजित होती है, और इस इन दो कोशिकाओं के नाम हैं, एक तो होती है राइजोइडल सेल और दूसरी होती है प्रोटोनिमल इनिशियल, राइजोइडल इनिशियल एंड प्रोटोनिमा इनिशियल। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती हैं, जो राइजोइडल इनिशियल है वो जमीन की तरफ वृद्धि करता है राइजोइडल इनिशियल, और प्राइमरी राइजोइड का निर्माण करता है, और जो प्राइमरी सॉरी जो प्रोटोनिमल इनिशियल है वो ऊपर की तरफ मतलब जमीन से विपरीत दिशा में नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट बताता है, और ये प्राइमरी प्रोटोनिमा का निर्माण करते हैं। प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है वो नोड्स और इंटर नोड्स में विभाजित होता है सेल डिवीजन के बाद में, और राइजोइड्स और जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है वो जो बेसल नोड बनती है उसमें से निकलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा का निर्माण होता है, जो कारा प्लांट में हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे सेकेंडरी प्रोटोनिमा उसका निर्माण होता है, और जो पेरिफेरल सेल हैं दूसरे नोड्स की वो लेटरल ब्रांचेस बनाती हैं। तो हम यहाँ पे हम इसको इस तरीके से हम समराइज़ कर सकते हैं कि जो ऊसपोर बनता है डिप्लॉइड न्यूक्लियस, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, चार कोशिकाएं बनती हैं, और इन चार कोशिकाओं में से एक सेल डिवीजन, चार न्यूक्लियस बनते हैं सॉरी चार केंद्रक बनते हैं, और इन ऊसपोर में ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद में ऊपर वाली छोटी कोशिका जो कि लेंटिकुलर सेल कहलाती है उसमें एक फंक्शनल न्यूक्लियस आ जाता है, और बाकी के तीन जो हैं डीजनरेटिंग न्यूक्लियाई होते हैं जो नीचे वाली लोअर सेल में होते हैं, और ये लोअर सेल में रिजर्व फूड मटेरियल अकोमुलेट होता है जो कि गेमिटोफाइट के जो अब बनेगा इसका निर्माण होगा इससे फंक्शनल न्यूक्लियस से उसके न्यूट्रिशन में काम में आ जाता है, पोषण में काम में आता है। जो ऊसपोर की वॉल है वो क्रैक होती है और जो लेंटिकुलर सेल है ऊपर वाली छोटी वो बाहर की तरफ दिखाई देने लगती है। इसमें वर्टिकल डिवीजन होता है और वर्टिकल डिवीजन के बाद में दो कोशिकाएं बनती हैं, राइजोइडल कोशिका और प्रोटोनिमल इनिशियल और राइजोइडल इनिशियल। राइजोइडल इनिशियल नीचे की तरफ ग्रोथ करता है और प्राइमरी राइजोइड बनाता है, और जो ऊपर वाली प्रोटोनिमा इनिशियल है वो विभाजित होकर प्राइमरी प्रोटोनिमा का निर्माण करते हैं। प्राइमरी प्रोटोनिमा में नोड्स और इंटर नोड्स बनते हैं, जो बेसल नोड है उससे ये जो सेकेंडरी लेटरल्स हैं उनका निर्माण होता है, और उसके बाद में जो राइजॉइड्स और सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो हैं वो पेरिफेरल सेल बेसल नोड के पेरिफेरल सेल से निकलते हैं, और जो बाकी के ऊपर वाले नोड्स होते हैं उनसे लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं, उनका निर्माण होता है, और इस तरीके से उस पोर के जर्मिनेशन से एक नया कारा प्लांट बन जाता है। प्लांट बॉडी जो है कारा की, अगर हम इसका जीवन चक्र देखें तो कारा की जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, एन स्ट्रक्चर है, एक्स से यहाँ डिनोट किया गया है, ये हैप्लॉइड बॉडी है, और डिप्लॉइड कंडीशन इसमें जो 2x कंडीशन है वो केवल ऊसपोर से यहाँ पे डेजिग्नेट होती है, केवल ऊसपोर जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कहलाता है। जर्मिनेशन के समय ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है ऊसपोर का ये मेयोसिस होता है इसमें, और फिर से
हैप्लॉयड स्टेट आ जाती है। तो इस तरीके से जो कारा की लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉयड प्रीडोमिनेंट टाइप की लाइफ साइकिल है, जिसमें पूरा जो कारा का जीवन चक्र में जो कारा प्लांट है वो अधिकतर अपनी हैप्लॉयड अवस्था में रहता है। यहाँ हम इस डायग्राम से पूरे लाइफ साइकिल को देख सकते हैं कि कारा प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने देखा था वो दो तीन तरीके से हो सकता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से या एमाइलम स्टार्स से हो सकता है, बल्बिल से हो सकता है और एमॉर्फस बल्बिल से भी होता है। और इनके थ्रू कारा प्लांट वापस फिर से रीजनरेट हो जाता है और फिर से नया कारा प्लांट बन जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि दो तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, और ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल दोनों हैप्लॉइड होंगे क्योंकि ये हैप्लॉइड प्लांट पे डेवलप हो रहे हैं, और ग्लोब्यूल से एंथ्रेजॉइड्स बनेंगे जो हैप्लॉइड होंगे और न्यूक्यूल में एक एग का निर्माण होगा जो कि हैप्लॉइड होगा। इन दोनों के फ्यूजन से या फर्टिलाइजेशन के टाइम एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ओस्पोर का निर्माण होगा जो कारा की लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड फेज बताएगा, शॉर्ट लिव्ड डिप्लॉइड फेज। इसमें फिर मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद में प्रोटोनिमा के थ्रू फिर से वापस नया कारा प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके से कारा एक स्पेशल टाइप की एल्गी है, मैक्रोस्कोपिक एल्गी है, और इसकी लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल कहलाती है। थैंक यू वेरी मच। दिस कंप्लीट्स एल्गी।